की जगह नहीं ले रहे, स्कूल की जगह नहीं ले रहे। मसला पर किसी भी बुजुर्ग को या किसी बच्चे को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है। सुबह से यहाँ भूखे पेट सभी बैठे हुए हैं, प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है? प्रशासन इस तरफ की जमीन और इस तरफ की जमीन में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हैं ये लोग स्कूल की जमीन भी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग दिन को बोलते हैं कि हमें बेरोजगारों को रोजगार देना यूथ के साथ खड़ा होता है, वही लोग रात को आकर अवैध तरीके से स्कूल की जमीन को अपने अपनी तरफ खींचने की और प्रयास करते हैं। यहाँ हम कब से, कल रात से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, कल शाम से करीब 200 बंदा यहाँ पर रात तक, देर रात तक बैठा रहा, लेकिन प्रशासन का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया। रात को जब SHO सर आते हैं, उन्होंने कहा है कि सुबह 10 बजे से पहले यहाँ की जो भी गाड़ियाँ या काम है जो बंद होना चाहिए, लेकिन ये रातों रात जो जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आज हम सोद्रा के जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, हम सोद्रा की औरतें चाहे जो भी इंसान है, अपना सारा काम छोड़कर यहाँ चक्का जाम कर रहा है, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हमारा जो प्रोटेस्ट है इसी तरीके से चलता रहेगा। बनता फिर डंडा लाना, आप उससे भी बड़ा डंडा आएगा आगे। हमने बहुत बार गिरदावरियां वगैरह लगवाई हैं स्कूल की, हमें पता नहीं चलता, 5-4 साल के बाद पता चलता है ये गिरदावरी टूट गई है। स्कूल कितना रकबा है? स्कूल का रकबा 11.5 करोड़ है। नंबरों का हमको कोई पता नहीं है, कौन सा नंबर है ये, 89 नंबर बोलते हैं इसको, 1787। अभी कितना रकबा रह गया आपको पता होगा? अभी थोड़ा सा रह गया जी। ADC सुंदरवानी मौके पर आए थे, मौके पर आए थे ना, उन्होंने कहा कि जो स्कूल की जगह है वो स्कूल के नाम होगी, जो स्कूल का कोई किसी को अगवाई नहीं करने देंगे हम कब्जा। ये हम सबकी सोसाइटी के लिए, आज सोद्रे के जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, बड़े तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उनके पढ़ने के लिए तो यही स्कूल है। अगर उनको इस स्कूल में ये जगह नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम कल इनको चुन के बनाते हैं, हम इनको अपने वोट देते हैं, क्या तब हम लोग ये सोचे? तब तो ये लोग बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ लैंड ग्रैब। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। कल 10-11 बजे से जो लोग स्थानीय लोग जहाँ के, जो सोद्रा गांव के हैं, सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे यहाँ, आज सुबह से भी जहाँ बैठे हुए थे और मैं भी जहाँ ही हूँ। अभी हमारे ADC सुंदरबन यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो स्कूल की लैंड है वो स्कूल को ही मिलेगी, किसी को 1 इंच लैंड नहीं दी जाएगी। और इन लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पे पहले शक था कि रेवेन्यू वालों से क्या तहसीलदार शायद मिला हुआ, तहसीलदार साथ हो गए जी इन लोगों को, जो लैंड माफिया इनको आशीर्वाद है, लगती है कि इनकी रेवेन्यू वालों की आशीर्वाद है, लेकिन नहीं। अभी ADC साहब ने पूरा आश्वासन दिया और हमें यकीन है इन पे कि जैसे इन्होंने आश्वासन दिया इन पर पूरा उतरेंगे। क्या सर इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो गाड़ियाँ रात को लगी थी कब्जा करने के लिए, गाड़ियाँ सीज की जाएंगी, उन पर पूरा जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो बाउंड्री अभी की जाएगी वो देखो, वो अभी जहाँ के लोकल एक हमारे नेताजी हैं मास्टर शमशेर जी, उन्होंने कहा है इस पर जो खर्चा आता है मैं देता हूँ, लोगों को बोला स्थानीय लोगों को आप तार और पोल लगा लो लाके, तो आप लोगों पे डिपेंड है, अगर लगा सकते हैं तो अभी लगा लें। सर अगर इन लोगों ने वापस कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ क्या एक्शन रहेगा? देखिए वो तो आपको आपके सामने अभी ADC ने दिया है, पूरा आश्वासन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर करेंगे तो लोग तो बैठे जहाँ बैठे ही हैं कैसे। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए मैं जब इधर पहुंचा तो यहाँ पे हमारी बहनें बच्चियाँ माताएं बैठी थी रोड पे, तो उनके कह रहे हैं कि हमारा स्कूल की जो जगह है उसको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी फेंकी जा रही है। तो मैंने आकर के देखा है कि रात को, वैसे हमने इसको स्टॉप कर दिया था, जैसे भी जहाँ खड़ी है कोई ऐसा कोई काम कार्य नहीं हो रहा। हम इसके लिए उनके साथ हैं, अगर स्कूल की जगह जो बनती है, जो रिकॉर्ड में है, जो अवेलेबल है, उसका हम मुहैया कराएंगे, उसके ऊपर कोई किसी की आँच नहीं, किसी को 1 इंच भी जगह नहीं लेने देंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर जी जो गाड़ियाँ कल की सीज हुई हैं उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? गाड़ियाँ रात की भी यहाँ पे SHO साहब वो कहीं SP साहब ने उनको बुलाया, वो मीटिंग में कहीं गए हैं, जो ही आते हैं उन्होंने कार्रवाई कर ली है, उनके साथ मेरा पूरा रब्ता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को छोड़ रहे हैं हम, जो कानून की खिलाफ वर्जी करें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? स्ट्रांग एक्शन जो कानून के तहत बनता है वही एक्शन होगा। थैंक यू सर। लेकिन हमारी